नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। वो कहते हैं ना कि वो घर घर नहीं लगता जहां बच्चों का शोर ना हो, लेकिन सभी लोग इतने लकी नहीं होते। ऐसे कई लोग हैं जिनका ये सपना पूरा नहीं होता, लेकिन आज साइंस ने ये भी मुमकिन कर दिया है। जी हाँ, संतानहीन दंपतियों के लिए IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन आज भी कई लोग IVF कराने से डरते हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं जिनका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिल पाता। आज आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे पश्चिमी दिल्ली के सबसे नामी गॉडसेंड IVF सेंटर की IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीता जैन से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जी, हम अपने सभी दर्शकों को ये भी बता दें कि गॉडसेंड IVF सेंटर को इंडिया टुडे की तरफ से लगातार 3 साल मोस्ट ट्रस्टेड सेंटर का अवार्ड मिल चुका है। तो मैम, सबसे पहले तो इसकी भी बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। ये तो सब पेशेंट्स का फेथ है हमारे ऊपर, सब उनका ट्रस्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दैट। जी मैम, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शक यही जानना चाहेंगे कि IVF क्या होता है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम कि IVF होता क्या है। IVF एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसको हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। उसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि एक लेडी के जिसको कंसीव नहीं हो रहा है उसके एग्स लेते हैं, स्पर्म्स लेते हैं उसके हस्बैंड के, या अगर हमें जरूरत पड़ती है तो डोनर के भी ले लेते हैं। उन स्पर्म्स और एग्स को शरीर के बाहर लैबोरेटरी में मिक्स करके फर्टिलाइज किया जाता है, उससे बेबी प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियोज बनते हैं और फिर उससे बेबी बनता है। ये एक्चुअली उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको जैसे बहुत समय से कंसेप्शन नहीं हो रहा है, जिनकी एज 35 ईयर्स से ऊपर हो गई है, शादी लेट हुई है, जिनको बेबीज नहीं हो रहे हैं, ट्यूबल डैमेज है, या फिर हस्बैंड के शुक्राणु में प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म क्वालिटी खराब है, या फिर एग्स की क्वालिटी खराब है, एक कंडीशन जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं उसमें भी हमें करना पड़ता है। और कई बार पेशेंट बहुत ट्रीटमेंट्स ले चुका है जैसे IUI वगैरह एंड उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, इन पेशेंट्स में हम IVF करते हैं और दिस इज ये IVF का प्रोसेस है। जी, तो इसके साथ ये भी जानकारी आपने हमें दे दी है कि किन किन पेशेंट्स में IVF किया जा सकता है। तो जिन जिन लोगों की कंडीशन यहाँ बताई गई है वही लोग IVF मेरे हिसाब से कर सकते हैं। मैम, इसके साथ हमारे सभी ऑल जोन टाइम्स के दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि IVF में कितनी सफलता की अपेक्षा होती है। अगर पहली बारी में इसमें सफलता नहीं मिलती तो IVF दोबारा भी करवाया जा सकता है। IVF की सफलता यूजुअली जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 40-50% है। कुछ सेंटर्स जैसे हमारे सेंटर पे 60% के आसपास हम लोग सक्सेस दे रहे हैं। अगर IVF पहली बार में नहीं सक्सेसफुल होता है, उसी IVF प्रोसेस में हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज को हम फ्रीज कर लेते हैं, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। उस फ्रोजन एम्ब्रियोज को हम अगली साइकिल में यूज करके उनको प्रेगनेंसी देने का कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी अगर हमारे पास वो भी ऑप्शन नहीं होता तो IVF डेफिनेटली कई बार किया जा सकता है, 8-10 बार भी किया जा सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैम, एक सवाल और था कि जो लोग जिनका पहली बार में सफल नहीं हुआ है तो जो चार्जेस दिए हैं उन लोगों ने, तो आगे की प्रोसेस में भी वही काउंट होगा या फिर उन्हें आगे की प्रोसेस के लिए और पेमेंट करनी पड़ेगी? डिपेंड करता है, अगर उन्होंने पहले कई बार 3 साइकल्स का हमें क्लब करके एक पैकेज बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा उनको फायदा हो जाता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का यही फायदा है कि उनके इंजेक्शंस की जो एक बड़ी कॉस्ट है वो वेवर हो जाती है, उन्हें वो कॉस्ट फिर से बियर नहीं करनी पड़ती है, तो काफी कम पड़ जाता है अगली साइकिल में। जी, ये बात तो बहुत खास बताई है आपने कि फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जो टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से कॉस्ट कम पड़ जाती है। तो जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग इतना खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। डॉक्टर गीता जैन जी, हमारे सभी दर्शक IVF प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहते थे, तो अगर आप पूरे ब्रीफ में हमें बता सकी कि IVF प्रोसेस में होता क्या है।
IVF में एक्चुअली हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले बिफोर IVF हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उसके एग्स की क्वालिटी कैसी होगी, एग्स कितने निकलेंगे और कुछ और बीमारी तो नहीं है मरीज को. सेकेंडली हम अल्ट्रासाउंड से भी ये पता करते हैं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है और कितने एग्स निकलेंगे. हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी होता है कि ये देखने के लिए कि कितने स्पर्म्स हैं, क्वालिटी कैसा है, IVF के कितना सक्सेस पॉसिबल. मोर ओवर उसके बाद हम सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पेशेंट को बुलाते हैं. उस दिन हम फिर से अल्ट्रासाउंड करने के बाद उनको इंजेक्शंस शुरू करते हैं. इंजेक्शंस उनको करीब 10 से 12 दिन चलते हैं जिससे उनके फॉलिकल्स रेडी होते हैं. फॉलिकल वो होता है जिसके अंदर एग होता है, तो एग्स बनाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं. उन इंजेक्शंस को अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज तक देना पड़ता है. 3-4 दिन बाद हम अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग करनी शुरू करते हैं देखने के लिए कि एग्स कब रेडी हो रहे हैं. एज सुन एज एग्स रेडी होते हैं हम उनको ओवम पिकअप के लिए रेडी करते हैं. ओवम पिकअप का मतलब है कि हम एग्स को बाहर निकालते हैं जी. उसमें कोई कट नहीं आता, कुछ नहीं होता, बेहोशी में पतली सी सुई से हम उनको बाहर निकाल लेते हैं. सेम डे हम सीमेन के साथ उसको मिक्स करके बेबीज बनाते हैं, एम्ब्रियोज बनाते हैं. ये इंक्यूबेटर में बनाया जाता है 3-5 डेज. लेबोरेटरी में ये सब काम होता है. जब वो 3 या 5 दिन का हो जाता है बेबी, तो अब हम उसको मदर का यूट्रस रेडी करके उसके अंदर एक पतले से कैथेटर से इंसर्ट करते हैं. आफ्टर इसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम अराउंड 10-15 दिन उनको फिर इंजेक्शन देते हैं ताकि यूट्रस एक्सेप्ट कर ले उस एम्ब्रियो को. उसके बाद हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बीटा HCG कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई. दिस इज द होल प्रोसेस. डॉक्टर गीता जैन जी, हमारे सभी दर्शक एक और चीज जानना चाहते थे कि एक भ्रम और लोगों में देखा गया है कि IVF से जो बच्चा होता है वो लोगों को लगता है कि वो हेल्दी नहीं होता क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें बेबी जो है हम उसी प्रोसेस से बना रहे हैं जो नेचुरल तरीका है. वही स्पर्म्स, वही एग्स, वही लेडी के स्पर्म एग्स हैं और वही मेल के स्पर्म्स हैं जिनको मिक्स करके इंक्यूबेटर में या लैबोरेटरी में वही बेबी बनाया जा रहा है. उन्हीं दोनों को मिक्स करके बेबी बनाया जा रहा है. मीडिया वही होता है जो हमें यूट्रस का एनवायरनमेंट मिलता है. 3 या 5 दिन तक का बच्चा हम बाहर बनाते हैं, उसके बाद वो बच्चा मदर के ही यूट्रस में डाल दिया जाता है. पूरी की पूरी ग्रोथ जो बेबी की होती है, जो डेवलपमेंट होती है, दैट इज इन द यूट्रस ओनली. कोई प्रॉब्लम होने का कोई चांस ही नहीं है. मोर ओवर ये मिसकंसेप्शन है कि उससे हेल्दी नहीं होता. हम लोग सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं. IVF को हम इसीलिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक भी बोलते हैं कि हम कुछ आर्टिफिशियल नहीं कर रहे हैं. इट वी आर जस्ट असिस्टिंग इट जी. तो ये बहुत खास जानकारी दी है आपने कि जिन लोगों को भी भ्रम था कि इससे बच्चा हेल्दी नहीं होता, उनका ये मिसकंसेप्शन हटा होगा आज. डॉक्टर गीता जैन जी, हम एक और चीज़ आपसे पूछेंगे इसी से रिलेटेड, क्योंकि महंगा है ये पूरा प्रोसेस ऐसा माना गया है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस का खर्च एकदम से नहीं दे सकते. जितना भी पैसे लग रहे हैं एकदम से नहीं दे सकते, तो उन लोगों के लिए जो जिनको नीड है इस चीज़ की, उन लोगों के लिए कोई तरीका बताएं कि वो भी IVF करवा सके. इसके लिए बेस्ट ये होता है कि हम 0% इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड करा देते हैं जिसमें उन्हें कुछ नहीं करना है. छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में बांट दिया जाता है उनका पूरा खर्च, उनके ऊपर लोड नहीं आता और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी. मैम, एक और क्वेश्चन हमारे दर्शकों के मन में था कि ये पूरा प्रोसीजर एक और भ्रम है कि पेनफुल होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना पेनफुल होता है या फिर नहीं होता है? इसमें पेन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ. ये डर बिल्कुल अपने दिमाग से भगा दीजिए. इसमें बिल्कुल भी पेन इन्वॉल्व नहीं है. जो इंजेक्शंस लगते हैं उनमें बहुत पतली सुई से इंजेक्शंस लगते हैं, वो पेशेंट खुद भी लगा सकता है घर पे. सेकेंडली कोई कट नहीं आता, कोई इंसीजन नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता. जो अंडे भी निकाले जाते हैं बेहोशी की हालत में निकाले जाते हैं, उसमें भी बहुत पतली सुई यूज़ की जाती है. एम्ब्रियोस डालने के लिए भी बहुत पतला कैथेटर डाला जाता है. किसी तरह का कोई कट, कोई पेन, कुछ भी नहीं है जी. ये बहुत खास जानकारी दी है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि उन्हें, जिन लोगों को डर लगता है इन चीज़ों से काफ़ी, तो उन्हें बहुत सहना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान भी, और अगर प्रोसेस ही इतना पेनफुल हो जाए तो ये बहुत खास जानकारी आपने दी है. इसके साथ मैम, एक और हमारा सवाल था हमारे दर्शकों का कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें एक और भ्रम हमने सुना, मिसकंसेप्शन, कि ट्विंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सच है या फिर ये भी एक भ्रम है? ये भी एक भ्रम है, क्योंकि ट्विंस होने के चांसेस सिर्फ 3-5% होते हैं. 95% सिंगल बेबीज ही होते हैं जी. मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और IVF से रिलेटेड हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए. थैंक यू सो मच.
मैं आपके ऑल जोन टाइम्स चैनल के थ्रू सबको ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ से रिलेटेड किसी भी क्वेरी, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कुछ भी अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं। हम फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और अगर कोई भी फाइनेंशियल इशू है तो हम कोई भी सॉल्यूशन अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो आज हमने आपकी खास मुलाकात करवाई डॉक्टर गीता जैन जी से। हमें आशा है आपको इस सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में थे उसके जवाब भी आपको मिले होंगे। तो इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।